हरिद्वार खमरिया थाना सिमरिया के अंतर्गत आने वाले ग्राम नादान मोड़ के पास ट्रक और मोटरसाइकिल के आमने सामने भिड़ंत हुई, जिसमें मोटरसाइकिल चालक दीपक सोनी पिता राम नरेश सोनी उम्र 22 वर्ष मौके पर ही मौत हो गई। ट्रक चालक व गाड़ी मौके से फरार हो गए। लोगों के अनुसार गाड़ी मुकेश जैन और कल्लू सेठ की बताई जा रही है। तत्पश्चात पुलिस ने मर्ग कायम कर विवेचना में लिया है और शव पीएम हेतु पवई रवाना किया गया। रायपुरा तहसील से देवेंद्र यादव की रिपोर्ट। सर एक्सीडेंट हुआ है, ये कहाँ पर हुआ है और कैसे हुआ है थोड़ी बताएंगे? तो वो लड़का मेरे रैया साठे में रुक रहा है जी, वो खमरी दीपक नाम सोनी जी खमरिया का था, वो रैया साठे से आ रहा था। वो हरदुआ और रैया साठा के बीच में ये सुनार का बगीचा होता है, यहाँ ट्रक से उसका एक्सीडेंट हुआ जी। जो एक्सीडेंट इतना ज़बरदस्त हुआ कि जाके वो रोड में फेंक गया। मौके की खबर मिलते ही क्षेत्र के लोग नादन हरजुगा खमरिया ऊंचा महाराजगंज रैया साठा के लोग यहाँ पर आ चुके। जैसे पुलिस को भी सूचना मिली, तत्काल सिमरिया से हरजुगा से दोनों जगह का पुलिस बल मौके पर पहुंचा। जब मौके पर ट्रक नहीं पाया तो पता चला जहाँ भी ट्रक का, तो वहाँ आप लोगों ने उसको रुकवाया है और कहा है कि उसको थाने में रेपरा के रखवाया जाए। ये बताया गया है मौके पब्लिक के द्वारा कि कल्लू सेठ के ट्रक से एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन ये मानवता को तार तार करते हुए अगर एक्सीडेंट हुआ था तो हरदुआ खमरिया घर के ही थे, ऐसी कोई वो नहीं थी कि बुराई भलाई थी। अगर ये सब मानवता से उनको बता देते, वो खड़े रहते, अपनी गाड़ी खड़ी रहती, तो एक मानवता पेश होती। इसमें मानवता को तार तार भी किया उन्होंने कि जो मौके से ट्रक लेके भाग गए और उसको लड़के को वहीं जिंदा पड़ा छोड़ गए, जिसमें उसकी बाद में मौत हो गई है जी। ये बहुत दुखद घटना है क्षेत्र के लिए। माननीय आप अपना नाम बताएंगे? मैं प्रहलाद लोधी, विधायक पवई, मेरे बगल से ही मेरा गांव है रैया साठा। जैसे ही सूचना मिली मैं भी तत्काल मौके पर सभी लोगों के बीच।